सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक वेबसाइट है जहां पर आप फ्री में आर्टिकल्स और पीडीएफ या फिर ई बुक्स को यहाँ पर आप पब्लिश कर सकते हैं। ओके और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो एक आर्टिकल है यहाँ पे लिखा होगा आर्टिकल जो कि 21 हॉर्स एगो यानी कि 21 घंटे पहले यहाँ पर डाला गया है और इस पर 105 व्यूज हैं। इसी प्रकार से ये 24 हॉर्स एगो, इस पर 138 व्यूज हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं 3 डेज एगो और 367 व्यूज हैं। अब जैसे जैसे आप इसको स्क्रॉल करते रहेंगे, जो आर्टिकल जो ई बुक जितना ज्यादा पुराना होगा उस पर उतने ही ज्यादा व्यूज होंगे, ये व्यूज धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। और इस वेबसाइट या फिर प्लेटफॉर्म की खास बात ये भी है कि जो भी आप आर्टिकल पब्लिश करते हो यहाँ पर या फिर आप पीडीएफ सबमिट करते हो वो यहाँ पर लेटेस्ट कॉन्टेंट में दिखाई देती है। जो भी पर्सन इस वेबसाइट पर आएगा तो आपने अगर कॉन्टेंट अभी पोस्ट किया तो आपको ज्यादा चांस है कि आपके पास यहाँ पर व्यूज मिले, एंगेजमेंट मिले, ट्रैफिक मिले आप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे पीडीएफ या फिर ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर थाउजेंड्स में व्यूज हैं और काफी ज्यादा एंगेजमेंट वाले भी काफी सारे कॉन्टेंट्स यहाँ पर मैंने देखे हैं। और इस वेबसाइट पर बहुत ही लो कॉम्पिटिशन है, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो इन्होंने एक सर्च बार दिया हुआ है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेट लॉस। ओके वेट लॉस लिख के हम इसको सर्च करते हैं। यहाँ पे देखिएगा फाइंड टर्म है वेट लॉस, हमने वेट लॉस को सर्च किया है। आर्टिकल यहाँ पर 2 ही हैं और 5 पीडीएफ हैं, तो अनुमान लगा सकते हैं कितनी बड़ी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर हो सकती है। 2 आर्टिकल्स हैं और उन पे एंगेजमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये 5 दिन पहले आर्टिकल डाला गया है, इस पे लगभग 750 व्यूज हैं। और ये जो पीडीएफ आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको लगभग 2 महीने पहले यहाँ पर पब्लिश किया गया है, इस पे लगभग 2000 व्यूज हैं। ओके नियर अबाउट 2000 व्यूज, तो आप सोच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पीडीएफ के अगर सेक्शन में हम जाते हैं तो यहाँ पर 5 पीडीएफ हैं और इनके आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 जनवरी 2022 को ये पब्लिश की गई है। लगभग इसको कह सकते हैं कि 1.5 महीना हो चुका है और 2000 से भी ज़्यादा व्यूज हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 12 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई है, ये भी 12 दिसंबर 2021 को पब्लिश की गई है। और इसमें से एक चौंकाने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखो एक ही यूजर की है, ये आप देख सकते हैं बाई लक विनस, यहाँ पे देख सकते हैं बाई लक विनस, तो एक ही यूजर ने वेट लॉस पर यहाँ पर 3 पीडीएफ या फिर ई बुक को पब्लिश की हैं और तीनों का आप ट्रैफिक मिलाओगे तो नियर अबाउट 6000 ट्रैफिक हो जाएगा। ओके तो 1 महीने में 6000 का ट्रैफिक अगर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री में, तो यकीन मानिए आप बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक प्रैक्टिकल मेथड, किस तरह से आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए एक पैसिव ऑनलाइन अर्निंग की अपॉर्चुनिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। पूरा मेथड कॉपी पेस्ट होगा, एकदम प्रैक्टिकल होगा, बस आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो में प्रैक्टिकली आगे बढ़े उससे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग के नए एसेट्स को आप ऑनलाइन प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो, तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर रोज इसी प्रकार की प्रैक्टिकल वीडियोस मिलती रहें। अभी हम इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हैं, आप हम इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज इस वेबसाइट की पोटेंशियल, इसकी एंगेजमेंट, इसके अंदर किस तरह की अर्निंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझा दिया है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए कैसे अर्न कर सकते हैं। इसके 2 ही तरीके हैं, यहाँ पर या तो आप आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं और या पीडीएफ सबमिट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली समझाता हूँ कैसे, बहुत ही सिंपल है गाइस। इसके लिए आपने क्या करना है, Digistore24 इस वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर आकर के सबसे पहले आपने अपना एफिलिएट अकाउंट क्रिएट कर लेना है, इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चैनल पर विजिट करके भी आप देख सकते हो, यूट्यूब पर और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी Digistore पे कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। बेसिक सिंपल प्रोसेस होती है अकाउंट क्रिएट करने की, बस आपको अपना एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मार्केट प्लेस पे आ जाना है। अभी इस वक्त मैं मार्केट प्लेस पे हूँ और यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ओके तो इनके अंदर हर एक कैटेगरी में उस कैटेगरी के आपको बहुत सारे डिजिटल फिजिकल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हुए आप कमीशन के तौर पर यहाँ पर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर ये जो एक प्रोडक्ट है मेटिक्योर, जो कि वेट लॉस सप्लीमेंट है, अगर हम इस पर एक अच्छी खासी पीडीएफ बना देते हैं और उसके अंदर अपने एफिलिएट लिंक्स को डाल देते हैं और इस पीडीएफ को हम अगर उस वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं और अच्छा ट्रैफिक मिलता है, तो जो भी पर्सन उस पीडीएफ को डाउनलोड करेगा, देखेगा, उसके अंदर हमारे एफिलिएट लिंक्स होंगे, अगर उस पर क्लिक करके कोई भी पर्सन इस प्रोडक्ट को बाई करता है तो हमें यहाँ पर 85% का कमीशन मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग एक सेल से हम यहाँ पर $146 तक की अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिनको कि आप बिल्कुल फ्री में प्रमोट कर सकते हैं। हमने वहाँ पर ऑलरेडी देख लिया है कि वेट लॉस के रिगार्डिंग कॉन्टेंट बहुत कम है और अच्छी खासी एंगेजमेंट भी है, तो हम वेट लॉस से जुड़ा हुआ कोई प्रोडक्ट लेके चलेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपने फ्री में
कॉपी पेस्ट करते हुए ई बुक या फिर पीडीएफ बनानी है, कैसे उस साइट पर आपने पब्लिश करनी है, तो इसके लिए डिजिस्टोर पर यहाँ पे आप देखोगे तो काफी सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि फिटनेस एंड हेल्थ, फूड एंड ड्रिंक्स, तो इनमें से कोई आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं, उस वेबसाइट पर जाकर के आप सर्च करिए, आपको ऐसे और भी बहुत सारी कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर कॉम्पिटिशन स्टिल कम होगा। ओके, और वहां पर जो आप पीडीएफ या फिर ई बुक को सबमिट करोगे या फिर आर्टिकल को सबमिट करोगे तो वो गूगल में भी इंडेक्स होता है। तो मैं तो इसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाला हूँ क्योंकि ये वेट लॉस से संबंधित है और ये डिजिस्टोर का एक टॉप प्रोडक्ट है, नंबर वन पे बना हुआ है रैंकिंग के अकॉर्डिंग, पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम इसी प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, इस प्रोडक्ट का नाम है मेटिक्योर। अब यहाँ पर हमारे पास देखोगे तो सिर्फ सेल्स पेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर नीचे एफिलिएट सपोर्ट पेज का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब हमें कोई रिसोर्सेज ये वेंडर नहीं देने वाले। तो हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट का नाम जो है मेटिक्योर, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और सिंपली जाइए ब्राउजर में, और ब्राउजर में आपको टाइप करना है मेटिक्योर। जैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे मेटिक्योर तो यहाँ पर आपको काफी सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिन्होंने मेटिक्योर के बारे में बताया है और उन पर अच्छे खासे रिव्यू लिखे हैं। तो इनमें से किसी भी एक वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एक वेबसाइट को ओपन किया हुआ, आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू लिखा है मेटिक्योर पर। यहाँ पे आप देखिएगा अच्छी खासी इमेजेस का इस्तेमाल किया है, जगह जगह पर इन्होंने अपने एफिलिएट लिंक्स लगाए हैं और काफी लंबा और लेंथी आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सिंपली आपने करना क्या है कि इस पूरे आर्टिकल को यहाँ से इस प्रकार से आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है फिर से एक नई टैब में गूगल में और वहां पे सर्च करना है गूगल डॉक्स। ओके, जैसे आप गूगल डॉक्स सर्च करोगे ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी docs.google.com, ये सेकंड वाली आप देख सकते हैं docs.google.com, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, अगर नहीं आता तो आपको गूगल से साइन इन करना पड़ेगा। ओके, जैसे आप इस इंटरफेस पर पहुंच जाओगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा, इस पे आपने क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर जो आपने आर्टिकल कॉपी किया होगा उसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे आप अपना पूरा आर्टिकल यहाँ पर पेस्ट कर दोगे तो इसको आपने अच्छे से कस्टमाइज कर लेना है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, जैसे कि ये टाइटल, तो इस टाइटल को मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ये अपनी तरफ से आप स्ट्रॉन्ग टाइटल बना सकते हैं। मैंने इस तरह से बनाया है और इसको हाईलाइट कर दिया है। इसके ऊपर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनका कि आप इस्तेमाल कर सकते हो इस आर्टिकल को कस्टमाइज करने के लिए और बेहतर लुक देने के लिए। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमने कंप्लीट आर्टिकल ले लिया है। जैसे आप उस आर्टिकल को कॉपी करोगे तो इमेजेस वगैरह अपने आप यहाँ पर आ जाएंगी, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप अलग से भी इमेजेस लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए कितना अच्छा आर्टिकल है और उनके लिंक्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। अब हमने इसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है जिससे कि ये जो डॉक्यूमेंट है हमारे लिए एक अर्निंग का सोर्स बन पाए। इसके लिए वापस जाना आपको डिजिस्टोर 24 पे, यहाँ पर हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपना एफिलिएट लिंक दिखेगा, एक्चुअल में आपको यहाँ पर प्रमोट का बटन दिखेगा इस प्रकार से, प्रमोट नाउ। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से ये लिंक दिख जाएगा। ओके, तो ये आपका एफिलिएट लिंक है, इसको आपने कॉपी कर लेना है। अब कोई भी पर्सन जब इस लिंक पर क्लिक करके इस प्रोडक्ट को बाय करेगा तो आपको इस प्रकार की अर्निंग मिलेगी कमीशन के तौर पर, जिसको कि आप डिजिस्टोर में रिसीव कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारे पेमेंट मेथड है तो आप इजीली विड्रॉल भी कर सकते हैं। अगर आप अपने एफिलिएट लिंक को ओपन करोगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। ये इसका सेल्स पेज है जिसके अंदर एक बहुत अच्छी वीडियो है और ये काफी कन्वर्टिंग पेज है। कोई भी यूजर जब इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो इस पेज पर आएगा और यहाँ से कोई भी यूजर इस प्रोडक्ट को इजीली परचेज कर सकता है। बस आपको यही करवाना है और आप यहाँ से अच्छी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकते हैं। अब आपका लिंक कॉपी है आपके पास, तो आपको वापस अपने डॉक्यूमेंट्स में जाना है और यहाँ पर जो आपने पूरा डेटा यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है इसके अंदर हर जगह पर लिंक लगे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सिंपली आपने करना क्या है, हर एक लिंक को आपने बदल देना है, जैसे कि इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक एडिट का बटन दिखेगा, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है लिंक वाला, इसको आपने पूरा लिंक यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना एफिलिएट लिंक पेस्ट करके इसको अप्लाई कर देना है। इसी प्रकार से सभी जगह पर आपको अपने एफिलिएट लिंक दे देना है, सिंपली इस पे क्लिक करना है। इसी प्रकार से सभी जगह पर जहां जहां भी लिंक लगे हुए हैं इस पूरे आर्टिकल में, डॉक्यूमेंट में, आपको रिप्लेस कर देने हैं अपने एफिलिएट लिंक पर। ओके, ध्यान दीजिएगा, आपने सिर्फ उस पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है और ये जो सेकंड ऑप्शन है लिंक वाला, इसको सेलेक्ट करना है पूरे लिंक को, अपना लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है आपने और अप्लाई कर देना है। तो ठीक है, सभी जगह पर आपके एफिलिएट लिंक लग चुके हैं, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने कर लेना है, सभी जगह पर आपको अपने एफिलिएट लिंक दे देने हैं। ये डॉक्यूमेंट रेडी है। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर एक फाइल का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर पीडीएफ डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है, ये पीडीएफ की फॉर्म में आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। सो गाइज, अब ये आर्टिकल या फिर पीडीएफ तो रेडी है बिल्कुल, लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने ये कॉन्टेंट बिल्कुल कॉपी किया है तो ऐसे में कोई इशू ना हो जाए, है ना। तो इसलिए मैंने जब इस आर्टिकल को कॉपी किया था तो नीचे आपको टेक्स्ट दिया था कि ये जो है रिकमेंडेड नहीं है। अब रिकमेंडेड इसलिए नहीं है बिकॉज हमने आपको साफ साफ पता है कि हमने कॉपी किया है, तो जो ओनर होगा अगर आप कहीं पर इसको पब्लिश करते हो, अगर वो आपको कैच कर लेता है तो ऐसे में वो
इस आर्टिकल को हटा भी सकता है। तो हम इस आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ये मेथड मैंने आपको इसलिए दिखाया कि अगर आप इसका पीडीएफ बना लेते हो, जो कि हमने पीडीएफ बनाया है, तो आप पीडीएफ के फॉर्म में तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये उतना मतलब कॉपीराइट की श्रेणी में नहीं आएगा, बिकॉज हमने इसको मॉडिफाई कर लिया है, हमने इसका पीडीएफ बना दिया है, इसको एक अलग फॉर्मेट में हमने डाल दिया, तो ऐसे में आप इसका यूज कर सकते हो। क्योंकि जो मैंने आपको साइट दिखाई है जहां पर हम पब्लिश करने वाले हैं, वहां पर हम पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं और आर्टिकल भी सबमिट कर सकते हैं। अब जो मैं आपको दिखाता हूँ रिकमेंडेड मेथड कौन सा है, अगर आप आर्टिकल पोस्ट करते हैं, अगर आप पीडीएफ पोस्ट करते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इसके लिए आप पीएलआर आर्टिकल का यूज करें, ठीक है। आपको लिखे लिखा आर्टिकल चाहिए, कॉपी पेस्ट करना चाहते हो, तो पीएलआर आर्टिकल ऐसे आर्टिकल होते हैं जिनका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई कॉपीराइट का फंडा नहीं होता। तो इसके लिए एक वेबसाइट बता देता हूँ, ये वेबसाइट है ईजाइन आर्टिकल्स। ओके, आप देख सकते हैं ईजाइन आर्टिकल्स, इस वेबसाइट का पूरा नाम है ईजाइनआर्टिकल्स.com। तो इस पर आपको लाखों आर्टिकल्स मिल जाएंगे, कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। मान लो कि हम यहाँ पर वेट लॉस पर अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर लिखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा वेट लॉस टिप्स, और इसको हम यहाँ पर सर्च करते हैं। पर्टिकुलरली आप प्रोडक्ट का नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर इसके अंदर 43,000 से भी ज्यादा आपको यहाँ पर रिजल्ट्स मिल रहे हैं, या लगभग 40,000 रिजल्ट, बहुत ज्यादा है। 40,000 आपके पास यहाँ पर आर्टिकल्स है जिनका कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 9 वेट लॉस टिप्स, तो इसको आपने ओपन करना है सिंपली। ओके, ये आर्टिकल पूरा ओपन हो चुका है, इसको आपने कॉपी करना है। ये देखिए कितना अच्छा और कितना लंबा आर्टिकल लिखा हुआ है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप जैसे लिखा हुआ है इसने, जैसे आप पूरा आर्टिकल आप कॉपी कर लोगे, तो जैसे इसने लिखा हुआ है ना वेट लॉस टिप्स नंबर 9, तो आपने नीचे बना देना है वेट लॉस टिप्स नंबर 10, और उसके अंदर आप बता सकते हो कि भाई आप इस प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेट लॉस के लिए, इस सप्लीमेंट का भी आप यूज कर सकते हैं। तो वहां पर आप अपना एफिलिएट लिंक दे सकते हो। इस प्रकार से भी आप PLR आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल लेजिट मेथड है, फ्री है, और इसमें कोई कॉपीराइट का फंडा भी नहीं है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि किसी का आर्टिकल कॉपी करने की बजाय आप अपना आर्टिकल यहाँ से ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और ये दोनों मेथड्स मैंने आपको इसलिए दिखाए क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ PLR आर्टिकल्स के बारे में बताता तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट में पूछते कि सर हम क्या इसका रिव्यू गूगल से कॉपी कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको उस आपके सवाल का भी यहाँ पर आंसर दे दिया है और आपको अच्छे से समझा दिया कि आपने क्या करना है क्या नहीं, दोनों ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। तो अब आपके पास पीडीएफ भी है, आपके पास आर्टिकल भी है, तो हम दोनों ही फॉर्म में वहां पर कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं। पीडीएफ को पोस्ट करने का प्रोसीजर कुछ अलग है और आर्टिकल को पोस्ट करने का प्रोसीजर बिल्कुल आसान है। तो अब आपके सामने पूरी तरह से ये प्रैक्टिकल मेथड जो है वो समझ में आ गया होगा। हमने एक अच्छा पीडीएफ बना लिया है, उस पीडीएफ को हमने यहाँ पर सबमिट करना है, जैसे इस यूजर ने यहाँ पर किया है। इस प्रकार से आप मल्टीपल पीडीएफ को सबमिट कर सकते हो। पीडीएफ बनाइए और सबमिट करिए, आपको डेफिनेटली ट्रैफिक मिलेगा, तो आपकी यहाँ से सेल्स होंगी एफिलिएट प्रोडक्ट की, और आप लोग कमीशन से अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इतनी बड़ी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ अगर एक सेल भी आपकी होती है एक वीक में, तो आप $100 से प्लस अर्न करने वाले हो। अगर आप वन वीक में अच्छा खासा ट्रैफिक आपको मिलता है, जैसे इस यूजर को मिला है, तो यकीन मानिए आप लोग अच्छी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी बिल्ड करने वाले हो। तो अब हम जानते हैं कैसे हमने यहाँ पर अपनी पीडीएफ को सबमिट करना है। पीडीएफ हम बना चुके हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। देन क्योंकि हमारे पास अकाउंट नहीं है तो हमें अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। सिंपल सी डिटेल्स डालनी है आपने, नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, देन रजिस्टर पर आपने क्लिक करना है। जो आप ईमेल एड्रेस यहाँ पर दोगे उस पर एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आपने अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे अपनी प्रोफाइल में, तो उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल, आप देख सकते हैं मैंने अपनी प्रोफाइल में लॉगिन कर लिया। इस वेबसाइट का नाम मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, इस वेबसाइट का नाम है pdfslider.com, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं pdfslider.com। ओके, अकाउंट बना लेना आपने, बहुत सिंपल है, मैंने दिखा दिया कैसे बनाना है। उसके बाद यहाँ पर आपने आ जाना अपनी प्रोफाइल में। अब यहाँ पर देखोगे तो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, सबमिट आर्टिकल। सबमिट आर्टिकल इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि भाई आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, 500 वर्ड से ज्यादा आपका आर्टिकल होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, वगैरह वगैरह जो चीजें होती हैं। और यहाँ पर हम आर्टिकल तो सबमिट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं बहुत अच्छा इन्होंने इंटरफेस दिया है, लेकिन पीडीएफ सबमिट करने का कोई ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखता नहीं है। तो आपने क्या करना है, कैसे आप पीडीएफ सबमिट कर सकते हो, तो इसके लिए ऊपर देखो ये जो URL है यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट आर्टिकल, तो हमें क्या करना है इसको चेंज करके यहाँ पर सबमिट आर्टिकल की जगह पर सबमिट PDF कर देना है। फिर इसको आपने सर्च करना है, तो जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पे देखो इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि We are currently closed, the future please contact to, ये इन्होंने ईमेल एड्रेस दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू सबमिट योर PDF। तो आपने करना है क्या है कि इस ईमेल एड्रेस पर आपने ईमेल करनी है अपनी PDF जो आप पब्लिश करवाना चाहते हो, और मैसेज करना है कि सर मैं आपकी इस साइट पर, बहुत अच्छी वैल्यूएबल साइट है, यहाँ पर एक वैल्यूएबल PDF को पब्लिश करवाना चाहता हूँ, तो काइंडली मेरी जो PDF है वो आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर सबमिट करें, ठीक है। इस प्रकार का आप मैसेज लिख दें इंग्लिश में और उसको इस ईमेल एड्रेस पर आपने सेंड कर देना है। अपनी PDF या फिर ईबुक को आपने अटैच कर देना है उसके साथ, तो आप इस तरह से अपने PDF को यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। और आर्टिकल सबमिट करने का तो फीचर बहुत आसान है, सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट आर्टिकल पे क्लिक करना है
और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टाइटल देना है और यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज करनी है, हमारा हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड है। तो ये मान लो कि हम ये वाला आर्टिकल को यहाँ पर अपलोड करते हैं, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और टाइटल में यहाँ पर डाल देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हो अपने आर्टिकल की। देन आपको यहाँ पर एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो इसके लिए आप कोई भी ये जो पहला पैराग्राफ होता है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया और इस लिंक को आप हटा देंगे जाने वाले को, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आपने पूरा आर्टिकल कॉपी करके यहाँ पर आपने डाल देना है, ये जो नीचे बॉडी वाला सेक्शन है। ओके, इस लिंक को आपने यहाँ से भी हटा देना है। तो ये देखिए, ये हमने पूरा आर्टिकल यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये टिप्स वाला आर्टिकल है, इसी प्रकार से आप कोई भी आर्टिकल यूज कर सकते हो, मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है। और नीचे आप यहाँ पर कोई भी कॉल टू एक्शन बटन दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर नो टिप्स लिखी हुई है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बोनस टिप #10 और इसको हम यहाँ से बोल्ड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने उसके सेल्स पेज से, ये जो इसका सेल्स पेज है जो हम प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने काफी डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो एक लाइन है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया है और यहाँ पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे कॉल टू एक्शन बटन दे दिया है, चेक मोर डिटेल्स ऑन ऑफिशियल साइट, ये मेरा एफिलिएट लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आप भी लिख सकते हो। और आप चाहें तो इस लिंक को आपने यहाँ से हटा करके आप इसके अंदर इनबेड भी कर सकते हैं। इसको आपने सेलेक्ट करना है, लिंक पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपको यूआरएल दे देना है अपना, इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, तो लिंक आपका इसके अंदर लग गया, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ओके, हमने यहाँ पर टैग्स नहीं दिए हैं तो हम यहाँ पर टैग्स दे देते हैं, वेट लॉस। उसके बाद फिर से हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कंफर्मेशन का मैसेज आ चुका है, थैंक्स फॉर सबमिटिंग आर्टिकल, वी विल रिव्यू इट एंड पब्लिश सून। तो ये लोग रिव्यू करेंगे आपके आर्टिकल को, वैल्यूबल आर्टिकल होगा, यूनिक आर्टिकल होगा, तो यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा। और अगर पब्लिश हो जाता है तो आप लोग बहुत अच्छी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी बिल्ड करने वाले हो। इस लिंक पर क्लिक करके कोई भी यूजर जब इस सेल्स पेज पर पहुंचेगा, अगर इस प्रोडक्ट को वो बाई करता है, तो आप लोग अच्छी अर्निंग कर सकते हैं कमीशन के तौर पर। अगर इसी प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ से $146 तक आप अर्न कर सकते हैं एक सेल से, अगर आपके मल्टीपल सेल्स होती हैं, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल आर्टिकल्स को, मल्टीपल पीडीएफ को सबमिट करते हो बिल्कुल फ्री में, तो आपको बहुत अच्छा ट्रैफिक मिल सकता है। जिस हिसाब से लोगों को ट्रैफिक यहाँ से मिलता है, तो आप लोग भी डेफिनेटली बहुत अच्छी अर्निंग यहाँ से करने वाले हैं। सो गाइज, ये था आज का पूरा प्रैक्टिकल ऑनलाइन अर्निंग मेथड, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है, कोई चीज आपको अच्छे समझ में नहीं आई है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इसी प्रकार की वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो चैनल को एक्सप्लोर कर लीजिएगा, भविष्य में आपको हर रोज इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहे, तो इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना है। अब मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई अर्निंग अपॉर्चुनिटी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।